गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए सफ़र की शुरुआत। आज हम जाएंगे गुवाहाटी से नागालैंड, गुवाहाटी से हम नागालैंड यानी कि दीमापुर हम जाएंगे जन शताब्दी एक्सप्रेस में, जो गुवाहाटी से सुबह 6 बजे निकलती है और दीमापुर पहुंचेगी सुबह 10 बजे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डिजिटल जर्नी राजेश हॉलीडेज के साथ। और अब हम जा रहे हैं जन शताब्दी एक्सप्रेस से जो गुवाहाटी से जोरहट के लिए जाती है। ट्रेन नंबर 12067 गुवाहाटी जोरहट एंड 12068 जोरहट गुवाहाटी। और हमारा इसी चेयर कार कोच है। और ये इसी चेयर का सब कुछ सी बंद। ये वॉशरूम है जो कुछ खास क्वालिटी नहीं है। काफ़ी छोटी ट्रेन 6 कोच की। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दीमापुर की तरफ बढ़ती हुई। अब हम चापरा मोड़ जंक्शन पे ट्रेन खड़ी है हमारी, और ये ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। अब हमारी ट्रेन चापरा मोड़ जंक्शन से निकलती हुई। चापरा मोड़ जंक्शन आसाम ट्रेन लोमड़ी जंक्शन को क्रॉस करती हुई। लोमड़ी जंक्शन सुबह के 9 बजे हैं, 10:05 को दीमापुर अरेव। दीमापुर स्टेशन उतर कर हम कैब करेंगे हिमाचल। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी पर चल रही है। ट्रेन को रचने से 5 मिनट we'll be right back.
ट्रेन डिफू स्टेशन पे पहुंचती हुई, दिस इज़ द सेकंड लास्ट स्टेशन फ्रॉम दीमापुर। गुवाहाटी से दीमापुर की 250 किलोमीटर की रेल यात्रा। जन शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी तेजस एक्सप्रेस के टाइम समय पे ये जो जन शताब्दी ऐसी चरका का कोच है, ये कोच करीबन 20 से 25 साल पुराना है। जो कोच अटेंडेंट में हमने बताया, काफ़ी बुरी कंडीशन में ये कोच, एसी सिर्फ नाम का है और एसी की कोई फैसिलिटी नहीं, सिर्फ 12 कोच की ये ट्रेन जन शताब्दी गुवाहाटी से जोरहट। वी आर एट दीमापुर रेलवे स्टेशन, नाउ वी गोइंग टूवर्ड्स द कोहिमा। अब हम दीमापुर रेलवे स्टेशन पे हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे कोहिमा के लिए। हाय हाय, अब हम हैं दीमापुर रेलवे स्टेशन में और अब हम जाएंगे कोहिमा। यहाँ से कोहिमा की दूरी 2 घंटे की है। अब हम जा रहे हैं कोहिमा, दीमापुर स्टेशन से निकल चुके हैं। दीमापुर से कोहिमा 2 घंटे की दूरी। अब हमने कोहिमा जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी हायर कर लिए है और ये हमारे साथ है टैक्सी के पायलट। व्हाट्स योर नेम सर? जावेदुद्दीन। यूट्यूबर है, यूट्यूब देखते हैं? हमारा चैनल है।